तन धन मन कहां लगा रहे हो? तो आप लेके आए थे, आप कहेंगे मेरा शरीर है, आज नहीं आता हूं, कल आता हूं, चलेगा? एक एक मिनट शरीर में रह सकते हो आप? आप कह सकते हो मेरा शरीर नहीं, कल छोड़ देना है। टिकट आया, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हाँ अगर बहुत बीमारी है, दर्द हो रहा, मैं शरीर छोड़ता हूं, छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो, ना बैठ सकते हो ना छोड़ सकते हो। जैसा टिकट आया उस अनुसार आपका नहीं। तो बैठ करके सोचो इस संसार में मेरा क्या है? शरीर है, पति है, बच्चे है, मकान है, सोना है, क्या आपका है? लेकिन दो चीज आपकी है, बाकी कोई चीज नहीं। दो चीज कौन सी है? वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो आपको छोड़ेंगे ना, आप उसको छोड़ नहीं सकते। दो चीज आपकी है, वो कौन सी है? मदर बुद्धि, वो तो आत्मा हो गया। और बता, दो चीज आपकी है, वो उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, थोड़ा नजदीक पहुंचा और बता, दो चीज आपकी है, बाकी कोई चीज आपकी नहीं दुनिया में। एक भाई जी ने बताया, एक संस्कार जो आपने भरा, संस्कार कर्म से संस्कार बना ना, वो आपका। और एक चीज है, दो। हाँ शिव बाबा, आपका सारे कलप के सदा बाप है, वो आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे सदा कहेगा। भगवान एक निराकार, वो आपका है, और आपने किए हुए कर्म वो आप छोड़ नहीं सकते हो। वो कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, कहीं भी जाओ। कर्म आपके संस्कार, और शिव बाबा सदा, आप जानो या नहीं जानो, सदा बाप है ना। आत्मा का बाप एक ही है, दो नहीं है। तो भगवान के, भगवान आपका बाप सदा, और आपके कर्म आपके साथ सदा। बाकी धन तन संपत्ति, भाई पति, कोई आपके नहीं है। ये पढ़ाना अपने आप को, आज के बाद याद रखो, कभी भूल से भी नहीं बोलना मेरा मकान, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा पति, कोई है? ये ज्ञान अपने को समझाओ। हाँ कोई पूछता है, माता जी ये कौन? हाँ मेरी बेटी है, बताने के लिए। लेकिन बुद्धि को बताए, आत्मा को बताए, मेरे कोई नहीं है, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, एक ही भगवान, और मैंने किए हुए कर्म मेरे, इससे मैं छोड़ नहीं सकता, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मंजूर, समझ में आया कर्मों की गति?